हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर स्टेथो एंड वेलकम अगेन। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम डिफरेंट स्टेट्स की 85% सीट्स की कट ऑफ एंड काउंसलिंग को कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल में 2018 में काउंसलिंग जिन 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए हुई थी, उनके नाम तथा क्लोजिंग रैंक कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, सबसे पहले उठा था मेडिकल कॉलेज कोलकाता 5214 रैंक पे। इसी तरह से बंकूरा समिलानी मेडिकल कॉलेज, बुरदवान मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नील रतन सिरकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज सुश्रुत नगर, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और इसी तरह से मिडनापुर मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड JNM हॉस्पिटल कल्याणी, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सागर दत्ता हॉस्पिटल, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुर्शिदाबाद, मालदा मेडिकल कॉलेज मालदा, एंड लास्ट का जो एक कॉलेज है ESIPGIMSR जोका कोलकाता। फाइनल काउंस के बाद डिफरेंट कैटेगरीज की क्लोजिंग रैंक कुछ इस प्रकार से थी। 2018 में अनरिजर्व कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 29,949, OBC ए कैटेगरी की 30,596, OBC बी कैटेगरी की 32,617, SC कैटेगरी की 1,22,666, ST कैटेगरी की 4,03,360 थी। दोस्तों, एक बड़ी खबर वेस्ट बंगाल के मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए ये है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एकेडमिक सेशन 2019-20 यानी इसी साल से 4 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की अनुमति दे दी है, जो कि काफ़ी राहत की बात है। ये 4 नए कॉलेजेज के नाम हैं। पहला है डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दूसरा कूच बहर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तीसरा रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और लास्ट है रामपुरहट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इन कॉलेजेस में कुल मिलाकर 400 सीटें बढ़ेंगी। इन सारी बातों को कंसिडर करते हुए वेस्ट बंगाल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019 के लिए कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हमारा अनुमान है कि 32,500 से 33,000 रैंक तक किस साल कॉलेज मिल सकता है। OBC ए कैटेगरी के लिए 33,000 से 33,500 तक कॉलेज मिल सकता है। OBC बी कैटेगरी के लिए 35,000 से 36,000 रैंक तक, SC के लिए 1,30,000 और ST के लिए 4,20,000 रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स कमेंट करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आगे भी ऐसी अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। धन्यवाद।